कार आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं बॉयस बूट लेकर आए हूँ। लेडी भी से पहन सकती है, पर लेकिन यह बॉयस बूट मैंने बनाए हैं। ये देखो, नीचे से ऐसे आएगा, ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। ये 5 10 8 7 साल के बच्चे के आराम से आ जाएगा। जिसके 5 नंबर के बच्चे के जूते जूते बच्चों के हिसाब से है, ये 8 10 साल के बच्चे का है। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। ये ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाता है। ये मैंने 48 फंदे डाले हैं, एक सीधा एक उल्टा मैंने बॉर्डर बुना है, एक सीधा एक उल्टा। ये देखो, 48 फंदे डाल के मैंने इतना सा बॉर्डर बुना है। ये 3 उंगलें आती हैं। आप चाहो ज़्यादा बुन सकते हो, आप चाहे कम भी बुन सकते हो। ये मैंने वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैंने ये सीधी ये सिलाइयाँ चढ़ाई हैं। ये बीच में अब हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे।48 फंदे हैं, इनको 3 हिस्सों में हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 फंदे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और बीच में आ जाएंगे 16 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 16 फंदा हमने छोड़ दिए। अब हमने 16 फंदे ही बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 ये भी छोड़ देने और ये भी छोड़ देने। बस ये सेंटर वाले हमने ये वाला हिस्सा बना रहे हैं हम, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये मैंने 21 ये सीधी सीधी चलाइयाँ मैंने चढ़ाई हैं। ये 21 हम बनाएंगे। फंदा उतारा, पहले फंदा जरूर उतारना आपने। उल्टी तरफ से भी सीधा और सीधी तरफ से भी सीधा।
इधर वाले और इधर वाले फंदे नहीं बुनने हमने। इतना बुन लो, 21 आप ये वाली सिलाइयाँ डाल लो, फिर आगे आपको मैं बताती हूँ। इतना 21 बुन लो। ये देखो, ये मैंने पूरे 21 21 लाइने बना ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फंदे उठाने हैं। वो कैसे उठाएंगे ये देखो, आगे से नहीं उठाने, पीछे से जो छोड़ा ना हमने ये फंदा, ये देखो यहाँ से ना नजर आ रहा ना, यहाँ से शुरू आना, एक दो तीन, ऐसी चेन सी आनी चाहिए आगे। चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस और बीस। बीस फंदे हमने, 20 फंदे हमने उठा लिए। अब ये भी साथ बुन लेंगे। अब हमें सीधी उल्टी सिलाई डालनी, हमने सीधी और उल्टी। ये 16 फंदे हमारे थे, 20 इधर से उठाए हमने, अब हमने सीधा उल्टा ही बुनना है। उल्टी सिलाई, किस 20 इधर से उठाए, 20 दूसरी तरफ से हमने उठाने हैं। अब हमने सीधा उल्टा ही बुनना है। एक दो सिलाई मुश्किल होगी, फिर आपसे आसानी से हो जाएगी। अब हमने इधर से भी उठाने, ये देखो इधर से हमने, जैसे इधर चेन बनी ना, ऐसी चेन हमने इधर से बनानी है।
चार, ये उल्टे जाएंगे, वो सीधे उठाए थे ना हमने, ये उल्टे, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और बीस। इधर भी ऐसी चेन सी आ गई। अब ये भी साथ हम बुन लेंगे। जो हमने पहला सीधे चढ़ाए थे अब उल्टे बुन लिए। अब हमने सीधा उल्टा बुनना है। आठ सिलाइयां हम सीधी उल्टी की बुनेंगे। सारे फंदे हमने ऐसे ही बुन लेने, पूरे के पूरे फंदे सीधे उल्टे। ये वाला पोर्शन बन रहा है जो हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ सिलाइयाँ हमने ये वाली की है। इतना हम बुन लो, फिर आगे आपको ये वाला पोर्शन बनाना सिखाऊंगी। अब बस सीधा उल्टा ही बुनना है आपने, कुछ नहीं करना, सीधा और उल्टा। पूरा ऐसे ही आप बना लो। ये देखो मैंने इतना बना लिया। ये देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ सिलाइयाँ मैंने चढ़ा ली। ये भी बीच गिन लेंगे तो 10 हो जाएंगी पूरी। अब हमने इसको आधे फंदे इधर कर लिए, आधे फंदे इधर कर लेने। कितने आते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अठाईस उनतीस तीस इकत्तीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस। 36 फंदे अपने इधर कर लिए, 36 फंदे हमने इधर कर लिए। और जो बीच में हमारे 16 फंदे थे ना, ये हम बुनने हैं सिर्फ। एक दो तीन
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अठाई उनतीस तीस इकत्तीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस। छत्तीस फंदे इधर हो गए, छत्तीस उधर थे, छत्तीस इधर, एक फंदा हमारे, हम यहाँ से दो का एक कर देंगे। ये पंद्रह बुने थे ना हमने, सोलहवें को हमने दो का एक कर दिया। अब वापस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, जो सोलहवां आया उसके साथ हमने इधर से दो का एक कर देना, इधर से दो का एक। वापस हमने, अब हमने फंदे कटाने हैं, बंद करने हैं। छत्तीस छत्तीस फंदे रख के आपने सोलह जो फंदे है उसको हमने बुनना, बस दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने बंद करते जाना, और कुछ नहीं है। ये देखो ये वाला फंदा आ गया, इसके साथ एक इधर से लेंगे, दो का एक कर देंगे। वापस सोलह फंदों को ही हमने बुनना है सिर्फ, और जोड़े सात छत्तीस फंदे एक एक करके हमने बंद करते जाना दोनों तरफ से। ये देखो ये लिया एक, इसके साथ और ले लिया, वापस इतना ही हमने बुनना है। पहला फंदा उतारना जरूर है, ऐसा आप पूरा कर लो, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना। का एक फेर कर दिया, ऐसा आपको नजर आना लग पड़ेगा। देखो ऐसा पूरा करके फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखो मैंने पूरा बना लिया, अब हमारे फंदे पांच बच गए, पांच इधर और पांच इधर। अब हमने क्या करना, आगे हमने एक फंदा इधर लेते थे ना ये वाला, अब हमने ये वाले फंदे भी बंद करने हैं। अब दो फंदे ये, एक फंदा ये, तीन का एक करेंगे। दोनों तरफ से तीन तीन फंदे, दो फंदे ये लेना, दो ये और एक ये वाला, तीन फंदे हो जाएंगे।
ये दो आ गए, एक ये लेंगे। बहुत सरल है बनाने में, इतने मुश्किल नहीं है, एक दिन में बन जाते हैं आराम से। दो और एक रहती है, तीन इधर रह गए और तीन इधर रह गए। तीन, दो उधर से एक इधर से, अब एक रह गया इधर, एक इधर रह गया। अब हमने इधर ये तीन लेंगे, ये एक लेंगे, चार का एक कर देंगे। फिर दो का एक, सॉरी तीन का एक कर देना, और ये फंदे को इससे ऊपर से ऐसे। अब हम यहाँ से इसको सिलाई कर देंगे। ये सिलाई हो जाएगी, आपका बूट तैयार हो गया। सिलाई करके छोटा बनाना हो तो इसके फंदे कम डाल लेना ऊपर से, और जहाँ से भी हमने ये वाला भी पोर्शन कट करेंगे, जैसे मैंने ये 21 बनाए, आप छोटा बना लो, इतना बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 करके फिर आप इतने फंदे यहाँ से उठाएंगे, छोटा बन जाएगा। अपने बच्चे के हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हो। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।